9 फरवरी 2021 ये वो तारीख है जब कपूर परिवार को लगा एक और बड़ा झटका उनके खानदान के एक सदस्य को खोकर। हम बात कर रहे हैं राजीव कपूर की, जिनका 9 फरवरी 2021 को हाल ही में हुआ निधन। और इसी निधन के बाद पूरा परिवार कर रहा है सभी को याद। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं राजीव कपूर की लव लाइफ के बारे में कई सारी बातचीत। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर राजीव कपूर की लव लाइफ कैसी थी, कितने दर्दनाक थी और क्यों 2 साल बाद ही टूट गया था राजीव कपूर का रिश्ता अपनी पत्नी के साथ। 9 फरवरी 2021, जब 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से राजीव कपूर का निधन हो गया और उनसे जुड़ी कई खबरें सामने आने लगी। ऐसे में हम बात करेंगे राजीव कपूर की लव लाइफ को लेकर। राजीव कपूर, जिन्हें घर वाले प्यार से चिंपू बुलाया करते हैं, एक दो फिल्मों में काम करने के बाद राजीव कपूर का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके बाद राजीव कपूर ने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में खुद का लक आजमाया। साल 2001 में राजीव कपूर ने आर्किटेक्ट आरती सभ्रवाल के साथ शादी की थी, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये शादी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी और शादी के केवल 2 साल बाद ही राजीव कपूर और पत्नी आरती सभ्रवाल का तलाक हो गया था। इंटरव्यू में राजीव कपूर ने बताया था कि एक्टिंग करियर सफल नहीं होने पर उन्होंने क्या क्या किया था। राजीव कपूर ने कहा था कि एक्टिंग की दुकान बंद होने पर मैंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में अपना लक आजमाया। मैंने सन 1996 में डायरेक्शन ट्राई किया, बतौर डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म प्रेम ग्रंथ थी। ये राज कपूर स्टाइल की फिल्म थी जिसमें गरीब देसी हीरोइन रैप एंड ऑल होता है। इस फिल्म में मेन लीड में चिंटू भैया यानी कि ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित थे। आगे उन्होंने कहा कि फिल्म के कुछ गाने काफ़ी हिट हुए मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। सन 1999 में मैंने फिर प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाया। यहाँ मैंने आर के बैनर के लिए काम किया। इस बार मैंने अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय बच्चन, राजेश खन्ना को लेकर आ अबलोड चले फिल्म बनाई। इस फिल्म के भी गाने हिट हुए लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई। आर के बैनर इसके बाद शांत हो गए। आर के की लास्ट फिल्म के 2 साल बाद मैंने आरती सभ्रवाल से शादी कर ली। वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थी पर हमारी कुछ अच्छी जमी नहीं। हमारा 2 साल में ही एक दूसरे से तलाक हो गया। तब से मैं सिंगल हूँ और हमारे बच्चे भी नहीं हैं और मैं अब मुंबई में ही रहता हूँ। आरती सभ्रवाल से तलाक के बाद राजीव कपूर का नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, दिव्या रानी, नगमा के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने इन सब को केवल अफवाह करार दिया। आरती के तलाक के बाद राजीव कपूर ने दोबारा शादी नहीं की। बात करें राजीव कपूर के फिल्मी करियर की तो उन्होंने पिता राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में बॉलीवुड से डेब्यू किया था। ये फिल्म सन 1985 में आई थी। इसके अलावा जबरदस्त, लवर बॉय, अंगारी, प्रीति, जलजला, हम तो चले परदेश, शुक्रिया, नाग नागिन जैसी फिल्में नजर आई, लेकिन फैंस पर अपना जादू भी खेलने में नाकामयाब रहे। उनकी आखिरी फिल्म सन 1990 में जिम्मेदार थी। इसके बाद वो फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने लगे। राजीव कपूर ने सबसे पहले सन 1991 में आई फिल्म हिना को प्रोड्यूस किया। इसके बाद 1996 में आई फिल्म प्रेम ग्रंथ और 1999 में आ अब लौट चले को प्रोड्यूस किया। इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए थे। तो ये है पूरी खबर राजीव कपूर की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, जहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगी भी उनकी अच्छी नहीं चल सकी। ना ही उनकी पत्नी उनके साथ रही, ना ही उनके कोई बच्चे हुए और अभी तक 58 साल की उम्र तक अकेले रह रहे थे राजीव कपूर अपने घर में। तो ये थी दर्दनाक शादीशुदा ज़िंदगी की सच्चाई राजीव कपूर को लेकर, जहां वो ना करियर में सेट हो पाए और ना ही अपनी लव लाइफ में। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रोशनी की रिपोर्ट।